हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज की जो ये वीडियो है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप ध्यान से सुना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शेयर करें सबके साथ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो सबसे पहले आप सच सच बताना, कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आप क्या यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो, उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा मिला है। तो मेरे साथ कॉमेंट ज़रूर शेयर करें। फिर भी आज जो है हमारी जो हम जितने भी औरतें हैं यूज़ करते हैं, जैसे पहले स्टार्ट हो गई थी कपड़ा, उसके बाद हो गया पैड, उसके बाद हो गया टैम्पोन्स, अभी आया है मेंस्ट्रुअल कप। तो इनमें से हमें कौन सी अभी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसको क्यों यूज़ करें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमें क्या फ़ायदा मिलती है, इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, तो मैं एक एक करके आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कपड़ा हो या टैम्पोन्स या पैड या मेंस्ट्रुअल कप पहनने से लीक होने की कई सारी चांस होती है, इस तरीके से लग जाती है। तो हमें लीक ना हो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े में आती हूँ, ठीक है। तो हमारी जो है लाइफ, जब हमें पीरियड्स होती है तो सबसे पहले हम जो है पहले कपड़ा ही यूज़ करते हैं, अभी आगे तो लोग जो है पैड यूज़ करने लग गए, फिर भी सबसे पहले तो हम कपड़ा ही यूज़ करते हैं, कॉटन के कपड़े, ठीक है। तो कपड़ा जब यूज़ करते हो थोड़ी देर के लिए कम्फर्टेबल है, तो सबसे पहले कपड़ा यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, मैं फ़ायदा बात कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है कपड़ा पहनने से हमें थोड़ी देर के लिए हमें कंफर्टेबल होती है, और इसको पहनने से और तो इसके फ़ायदा ये कुछ भी नहीं है, कपड़े पहनने से हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए घर पर बैठने के लिए हमें फ़ायदा मिलता है, 100% मिलता है, ठीक है। तो और जो है इसकी जो है नुकसान क्या करता है, बेफ़ायदा क्या है, ठीक है। तो कपड़े पहनने से आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगी, आपको कई सारी बीमारी लगेगी, आपकी जो है इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, इसको धोना पड़ता है, अच्छी तरीके से नहीं धोया तो आपको कई सारी जो है बीमारियां लगती है। तो कपड़ा यूज़ करने से हमें फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान दिलाता है, तो मैं कपड़ों जो है यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती, आपको नहीं बोलूँगी कि कपड़ा यूज़ करना चाहिए। हाँ, कभी कभी घर पर आप कर सकते हो, मगर डेली आप इसको रोज़ाना यूज़ ना करें। तो सेकेंड चीज़ है और जो है पैड, आप सभी ने भी सुना है, आप भी यूज़ करते हो, खुद यूज़ करते हो, तो पैड कितने हद तक इसकी जो है फ़ायदे आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ। तो फ़ायदा ये है कि हमें कंफर्टेबल होती है, अभी लोगों को ज़्यादा से जो है कपड़े से अभी पैड यूज़ करते हैं, तो कपड़े को थोड़ा कम ही यूज़ करने लग गए, तो ज़्यादा पैड यूज़ करने लगे क्योंकि उनको कम्फर्टेबल लगती है, अभी सभी को इसके बारे में नॉलेज है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो पैड यूज़ करने से हमें कंफर्टेबल फील होती है, कपड़े की तुलना में तो ये पैड जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसकी जो थोड़ा बहुत फ़ायदे है, हमें कंफर्टेबल फील होती है, हम इसको पहन के कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यूज एंड थ्रो होते हुए भी हम इसको पहन के कहीं पे भी जा सकते हैं, हम कंफर्टेबल हम रहते हैं। तो कितने हद तक कंफर्टेबल रहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इतनी इसकी जो है पैड की जो है फ़ायदे मैं बताती हूँ कि कंफर्टेबल हमें लगता है अभी की जो टाइम में। तो इसकी जो है बेफ़ायदा ये क्या क्या करता है, तो फ़ायदे तो बस सिर्फ हमें कंफर्टेबल थोड़ी देर के लिए देता है, तो बेफ़ायदा कितना देता है, तो बेफ़ायदे जो है नुकसान दो है कितना देता है, तो आपको ये केमिकल होता है पैड में, तो केमिकल और ब्लड मिक्स होने की वजह से आपकी जो है जो प्राइवेट पार्ट पे जो है कितनी सारी इन्फेक्शन होगी, आपको बहुत सारी रोग लगेगी। तो इसको यूज़ करने से आप जो है स्विमिंग करना चाहते हो, पैड को पहन के स्विमिंग नहीं कर सकते हो, आपको साइकिलिंग वगैरह योगा कर सकते हो, बहुत ही कम करते हो, मतलब स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, दूर दूर की जो ट्रैवलिंग वो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको 3-4 घंटे में चेंज करते रहना पड़ता है, नहीं किया तो लीक 100% होगी। तो जो है दूर तक ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो, स्विमिंग भी नहीं कर सकते हो, रात को सोते वक्त भी इसको पहन के सोओगे तो आपको लीक होने के 100% चांसेस रहेगी, ठीक है। इस पर आप बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगे, आपको कई सारे नुकसान ये देगा। तो कपड़े से तो पैड बेहतर है, फिर भी जो है पैड इतनी सेफ्टी नहीं है आपकी लाइफ में जितना कि मेंस्ट्रुअल कप देता है अभी की जो लाइफ में, अभी की जो टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया पैड, पैड कितने हद तक आपको सेफ्टी का काम करेगा, मतलब फिर भी मैं आपको सच सच बता देती हूँ, कभी मैं कपड़ा भी यूज़ करती हूँ, कभी पैड भी यूज़ करती हूँ, और मेंस्ट्रुअल कप तो अभी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हम एकदम से छोड़ तो नहीं सकते ना, तो टोटली हम नहीं छोड़ त्याग सकते, अभी धीरे धीरे करके हमें ये सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, तो अभी अभी भी मैं पैड यूज़ करती हूँ।
तो क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहनना कंफर्टेबल लगता है। तो अभी मेंस्ट्रुअल कप आया तो मेंस्ट्रुअल कप को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, उसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया पैड के बारे में। तो अब बारी आती है टैम्पोन्स। ये टैम्पोन्स क्या है, जितने मुझे पैड अच्छा लगता है बिल्कुल टैम्पोन्स जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है इतना। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने कम ही यूज़ किया, यूज़ तो किया है मगर कैसा होता है, इसको पहन के भी स्विमिंग नहीं कर सकते हो आप, उछलना कूदना सारा कुछ कर सकते हो मगर ज़्यादा देर तक इसको अपने अंदर नहीं रख सकते हो। ज़्यादा देर तक आपने रख लिया इसको तो आपको बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ता है, आपको बहुत सारी बीमारी आपको लगेगी। ठीक है, तो इसको भी 2-3 घंटे तक ही रखना, ज़्यादा देर तक लगोगे 100% लीक ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो स्विमिंग नहीं कर सकते हो, ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हो और इसको पहन के रात को भी नहीं सो सकते हो क्योंकि इसको 2-3 घंटे में चेंज करना ही पड़ता है। नहीं किया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। जो ऐसे जो आउट ऑफ कंट्री की जो जितनी भी औरतें होती है ये जो टैम्पोन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कप अभी यूज़ करने लग गए, टैम्पोन्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैड से भी ज़्यादा टैम्पोन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज एंड थ्रो है, इसको यूज़ करने से आपको इन्फेक्शन तो होगी 100%, ज़्यादा देर तक आपको ये नहीं रख सकते अंदर और इसको खरीद के बार खरीद के आपको लेना पड़ता है, इसको 2-3 घंटे फेंकना पड़ता है, तो ये मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं लगी। ठीक है, तो बारी आती है और उसके बाद लास्ट में बात आती है मेंस्ट्रुअल कप की। एवर्टिन मेंस्ट्रुअल कप है, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा मुझे मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ जो है कपड़ा पैड्स टैम्पोन सारा कुछ यूज़ कर लिया है, मेंस्ट्रुअल कप की यूज़ कर लिया है, तो इन सभी चीज़ों में कितनी जो है इसकी फ़ायदे किसकी ज़्यादा है, कौन सी कम्फर्टेबल है, मुझे लगा मेंस्ट्रुअल कप 100%, क्योंकि जो मैंने यूज़ किया है उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो मैंने सहा है, जो मैंने झेला है, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो आप भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, क्यों ये एकदम फ़ायदेमंद है, क्यों बेनिफिशियल है, तो इसको आप 10 साल तक यूज कर सकते हो पहले बार। ठीक है, तो ये 12 घंटे तक अपने अंदर रख सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो इसको लगा के, योगा साइकिलिंग डांस उछलना कूदना स्कूल कॉलेज सारे कुछ जा सकते हो, ऑफिस जाते हो सुबह से शाम तक इसको पहन के आराम से 12 घंटे तक रख सकते हो, दूर दूर तक की जो है लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हो, रात को सोते वक्त भी लगा सकते हो। देखो इतनी सारी इसकी फ़ायदे है यार, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। जो मैंने जो है इसको यूज़ किया तो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा डरी थी, कितने लोग तो जो है रोते भी है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होती है, डर बहुत होती है, तो धीरे धीरे करके एकदम इसको पहन के हमें कम्फर्टेबल फील होगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और इसको जो है बार बार ख़रीदना नहीं पड़ता है, बजट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसको पहन आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन के चांस नहीं है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सबसे। तो मेंस्ट्रुअल कप है, इसकी जो है नुकसान अभी तक एक भी नहीं है, मगर इसकी जो है जो मेंस्ट्रुअल कप की जो साइज़ जो है आपको पता नहीं है आपको कौन सी साइज़ लगेगी, तो ये 100% लीक होगी क्योंकि ये मैंने फेस किया हुआ है। तो मैंने अलग ही साइज़ ले ली थी और मैंने अलग ही साइज़ ले लिया, मेरे साइज़ के हिसाब से मैंने नहीं पहना, तो क्या होता है लीक होता है, 100% लीक होता है क्योंकि लीक होता है, इसलिए आपको साइज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना रखोगे तो ये 100% आपको सेफ दिलाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, नुकसान इसकी कोस भी नहीं है। ज़रूर यूज़ करें इसको पहन के, आप यार डेली एक्टिविटीज़ आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, आपको पहन के बहुत अच्छा फील होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल कप इज़ द बेस्ट मुझे लगा अभी प्राय जो है आउट ऑफ कंट्री में भी मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादा यूज़ करते टैम्पोन्स के बाद में। ठीक है, तो अभी जो है इंडिया में हालात तो इतनी सभी को नॉलेज नहीं है, तो बाद में इसकी भी पूरा नॉलेज हो जाएगी, प्राय सभी लोग जो है मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने लग जाएगा, तो आप और हम क्यों यूज़ ना करें, तो आप जितने बार इसके बारे में जानते हो ज़रूर यूज़ करें और इसकी फीडबैक जो है आप मुझे ज़रूर शेयर करें, कपड़ा पैड और टैम्पोन्स मेंस्ट्रुअल कप में आपको कौन सी बेहतरीन लगी, आपको कौन सा बेनिफिशियल लगा, कौन सी फ़ायदेमंद लगा, ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, तो मुझे तो सबसे बेस्ट जो लगा है पैड घर पे, जब भी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के लिए तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, मगर अभी जो है फ़िलहाल आया है मैं ये ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ, मेंस्ट्रुअल कप मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे साथ आपकी जो है नॉलेज शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को खूब सारा शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें आर्चिन ब्यूटी चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है।